हाँ जी, सलाम अलैकुम। क्या हाल है आप सबके? आप लोगों ने अपने बचपन में वो कहानी तो सुनी है ना, खरगोश और कछुए की। लेकिन उस कहानी में हर कोई बात किसकी करता है? कछुए की बात करता है, क्योंकि वो रेस जीता था। उसके बाद कोटेशन भी बन गए कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, बट नो वन टॉक्स अबाउट द रेबिट। उस खरगोश के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने आलस की, सुस्ती की और वो रेस हार गया। यही इंपॉर्टेंस रह जाती है जिंदगी में, जब हम आलस और सुस्ती करके अपनी मंजिल पार नहीं कर पाते हैं और सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। तो यही बात सुनी है ना अपने जिंदगी भर, आपके बड़ों ने, टीचर्स ने, सब ने यही बात की है ना कि अगर हारोगे तो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। दैट इज नॉट अ ब्लडी ट्रू। कोई भी हार के बारे में बात नहीं करता। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सक्सेस, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट विक्ट्री, बट नो वन केयर अबाउट द। किसी को हमारी हार से कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो चीज फेलियर सिखाती है वो चीज सक्सेस नहीं सिखाती। एंड कीप दैट थिंग इन योर माइंड। अगर हार रहे हो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर हार रहे हो तो जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अगर किसी कोर्स में फेल हो गए हो, अगर किसी क्लास में फेल हो गए हो, किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए हो, तो दैट इज नॉट अ एंड ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी यहां खत्म नहीं होगी भाई। अपनी हार से सीखो। जब तुम हारोगे ना तो जिंदगी तुम्हारे सामने दो रास्ते देगी, या तो नीचे गिरे रहो या फिर उठो। और उठो तो ऐसा उठो कि सबकी बोलती बंद कर दो। जितने लोगों ने तुम्हारी हार पे तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, उन सब की बोलती बंद कर दो। लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली सक्सेस। सक्सेस आपको एक्सपीरियंस से मिलेगी। अब उसी कछुए वाली कहानी पर आते हैं ना, उस खरगोश जो हारा था उसने अपनी गलती से अगर सीखा तो वो उठेगा, फिर दोहरेगा और फिर कछुआ जीत के दिखा दे उससे। अगर वो फिर आलस करेगा तो फिर खरगोश की गलती है। इसी तरह अगर आप भी जिंदगी में अपनी हार से नहीं सीखते और बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, तो फिर ये आपकी गलती है। फिर दुनिया आपको जो कह रही है वो सही कह रही है। लेकिन अगर आप हारने के बाद उठते हैं, सीखते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर कोई आपको हरा के दिखा दे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। फेलियर विल गिव यू 100 रीजंस 100 वेज। समझ रहे हो? अपनी हार से सीखो। हार गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी यहां खत्म हो गई है। हार गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी का ये आखिरी दिन है। हार गए कोई बात नहीं, किस लिए हार है? इंप्रूव करो, अगेन ट्राई किया, फिर हार गए कोई बात नहीं, फिर इंप्रूव करो, फिर आगे बढ़ो। जिंदगी उन्हीं का साथ देती है जो आगे बढ़ते हैं। जिंदगी बैठने वालों का साथ नहीं देती है। आपका करियर, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। और यही बात आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि डोंट टेक फेलियर एज अ ग्रांटेड। फेलियर विल टीच यू, फेलियर विल गिव यू मोर एक्सपीरियंस देन सक्सेस। ठीक है बच्चा लोग? तो फेल होने से डरने का नहीं, फेल होके लर्ने का। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।